बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और बात राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का मुद्दा बन गई। पक्ष विपक्ष की बयानबाजी के बीच प्रशांत किशोर ने भी इस पर अपना मत रखा। जन स्वराज पदयात्रा के लिए गांवों का दौरा कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि जीतन राम मांझी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। उन्हें अपने बेटे की चिंता है, दलितों की चिंता होती तो दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते। नेता का अपन लड़का के ना बढ़ावा था, मांझी जी हो गए मुख्यमंत्री तो अब कहता कि हमारे लड़का भी होके चाहे मुख्यमंत्री। वही कहा कहता कि दलित समाज में जो सबसे अच्छा लड़का बा वो मुख्यमंत्री बने के चाहे, वो कोई नहीं के कह। तो जात में आप अजुराए हैं, नेता नहीं अजुराया है। हम अपने हाथ जोड़ के कहे चलल बानी, वोट नहीं की मांगत, गांवे गांव जाके हाथ जोड़ता नहीं कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखिए, अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, नहीं तो आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा, ना सुधर सके, ना जागो, नहीं जगिएगा। जाति पर, धर्म पर, नाली गली पर, 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा तो जिस दुर्गति में आप जी रहे हैं इसी दुर्गति में आपके बच्चे भी जिएंगे। आप मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, आपके बच्चे को भी मजदूरी ही करना पड़ेगा। इसलिए जगिए, संकल्प लीजिए कि अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ के, नाली गली 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। यह बतावे खातिर चलल बानी, समझ में आवे तो अपनाइए, न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे घूमते रहिए, लेकिन अगर दूसर के झंडा लेकर घूमब, जाति पर धर्म पर वोट दे, नाली गली और 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेचिएगा तो आप वोट नहीं बेच रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। बिहार के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए और उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए जन स्वराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर जनहित के हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को लगता है कि बिहार में जाति की राजनीति हो रही है, जबकि बिहार में जाति की राजनीति नहीं हो रही। आज सब नेता अपने अपने परिवार को राजनीति में लाने और कोई न कोई पद दिलवाने में लगे हैं। नेता जाति की राजनीति किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते, क्योंकि नेता सिर्फ अपने और अपने लड़के की चिंता कर रहे हैं। जाति धर्म के फेर में आम लोग पड़े हैं। संतोष सुमन का इस्तीफा नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जब नीतीश विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में है, तब उन्हें अपने ही घर में बगावत के सुर उभरते दिखने लगे हैं। अब क्या जीतन राम मांझी भी बेटे का साथ देते हुए नीतीश का साथ छोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब भी जल्द ही सामने आ जाएगा।